बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे मेरे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पाव के करीब चिकन, और उसको लंबे लंबे स्लाइसिस में काट लिया है, और चार मिर्चें ले ली हैं, और एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली है, आधी गाजर ले ली है, एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, और एक बड़े साइज़ का टमाटर लेके इसको कद्दूकस कर लिया। और जो मैं बनाने जा रही हूँ ये सेवइयां हैं, देखें इस तरह की। वैसे तो ये मीठी बनती हैं, लेकिन आज मैं इनको नमकीन मिर्चों वाली बना के दिखा रही हूँ आपको। पानी मैंने बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया, इसको खोल लेते हैं। ये इस तरह की होती हैं, देख सकते हैं आपको। वैसे ये दूध में भी बड़ी अच्छी बनती है, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था मैंने किस तरह से बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मज़े की बनती है ये रेसिपी, ट्राई करिएगा। पानी मैंने वहाँ बॉईल करने के लिए चढ़ाया हुआ है, तो इसको बॉईल करते हैं। निकाल लिया है, आ जाते हैं। पानी जो हमारा था यहाँ पे बॉइल होने के लिए रखा हुआ था, पानी भर रहा है। इस तरह से इसके अंदर डाल देते हैं। इसके साथ मैं इसमें तकरीबन तीन लौंगे, चार लौंगे हैं, और तीन काली मिर्चें हैं, दालचीनी का टुकड़ा, और दो चुटकी ज़ीरा, ये भी इसी में ऐड करूँगी। इसको चम्मच में हिलाऊँगी, मछलियाँ बन जाती हैं। इसके अंदर मैं हाफ टी स्पून जो है नमक ऐड कर दिया, ऑयल होगा वो भी ऐड करती हूँ। ऑयल या घी कुछ भी हो वो डाल दें। मैंने यहाँ पे घी डाला था एक चम्मच खाने वाले, अंदर मैंने डाल दी है। इसको बॉयल करने के लिए छोड़ दूँगी, अपनी बनाने की रेसिपी की तरफ। ऑयल जो है मैंने चढ़ा दिया था यहाँ पे, और जो है प्याज इसमें शामिल कर लेते हैं। ऑयल जैसे हमारा गर्म था, ब्राउन करते हैं, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बस लाइट करते हैं, लाइट ब्राउन करते हैं। इसके अंदर क्या क्या जाएगा वो प्याज के साथ शेयर करेंगे। पहले मैं इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लूँ। प्याज के हमारे थोड़े से गोल्डन हुए हैं, अभी हम क्या करूँगी मैं इसमें चिकन ऐड कर लूँगी। मैंने हल्दी डाल दी है इसमें,
हाफ टी स्पून लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे। हाफ टी स्पून ही मैं नमक डाल दूँगी। एक चम्मच जो मैं मिक्स मसाला बनाती हूँ वो ऐड करूँगी। मिक्स मसाले की रेसिपी मैंने वैसे पहले दी दी है, देख सकते हैं आप मेरे चैनल से क्या क्या ऐड करा था मैंने उसमें। हाफ टी स्पून गरम मसाला, तो बड़ा जल्दी जल्दी कर जाता है। यहाँ पे मैं सेवैयां पिस लूँगी। सेवैयां तकरीबन रेडी हो गई है, अभी मैं निकालूँगी, सेवन करूँगी, मसाले की तरफ आ जाती हूँ। अभी मिर्चों को कट लगा के डालूँगी। इस तरह से कट लगा के डालना है। इसी के साथ मैं गाजर ऐड करूंगी, हल्का सा भूनूंगी गाजर को। गाजर थोड़ा टाइम लेती है, फिर समझ के बाद उसे मैंने कलर ऐड कर लिया है। इनको हम हिला लेंगे। इधर मैं अभी शिमला मिर्च ऐड कर लूँगी इसमें। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं आपके मसाले में कर सकूँगी कि नमक कितना है, तो हम जो होता है इसमें और ऐड करूँगी। थोड़ा सूख चाहिए मुझे नमक, तकरीबन 2 से 3 सूप की नमक डाल दी है। बाद में हमें सेवैयां डाल दूंगी इसमें। चूल्हा जो है मैं कम कर दूंगी, बिल्कुल मिक्स कर दूंगी अच्छे से। दो मिनट के लिए इसको छोड़ूंगी कितना। इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
इतनी भी मज़ेदार सी हमारी सेवैयाँ जो हैं वो रेडी हो गई हैं, बिल्कुल नूडल्स की तरह बनती हैं, बना के ट्राई करिएगा, बड़ी मज़े की होती हैं। इंशाल्लाह आ जाएंगे नई रेसिपी के साथ, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।